हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पिटमैन इंग्लिश शॉर्टहैंड चैप्टर 13 में सर्कल और लूप प्रीसीडिंग इनिशियल हुक के बारे में बताए गए हैं। इसमें एस ट्रब एंड सेट सेटरेट हुक के साथ सर्कल लूप वैसे ही लिखा जाएगा जैसे कि आप चैप्टर 11 में आर एंड एल हुक लिखते थे। जब भी आपने इसमें एस जंग सब सेट के आर हुक वाले सेटरेट स्ट्रोक से पहले आर हुक के साइड जहां पर हम आर हुक लगाते थे वहां पर हम अब एक छोटा सा स्मॉल सर्कल यूज करेंगे। पहले हम जो एस स्ट्रोक था एस स्ट्रोक के प्लेस पर हम स्ट्रोक की आउटलाइन पूरी ही लिखते थे। अब हमने जो एस है एस स्ट्रोक को पूरा नहीं लिखना है, इस पर हमने छोटा स्मॉल सर्कल यूज करना है। आगे जितने भी सारे चैप्टर हैं उसमें हमने जो एस है उस पर स्मॉल सर्कल यूज करना है, जे चाहे मिडिल में आए स्टार्टिंग में आए या एंड में आए हमने एस को स्मॉल सर्कल ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल है ट्राई सब्ट्राई ट्रे सट्रे क्रियो सप्यो एंटर। इसी प्रकार से जब हमने सब का यूज करना है, एग्जाम्पल वर्ड है स्वीटर, जब भी सब के साथ रिलेटेड कोई भी वर्ड आए तब हमने बिग सर्कल यूज करना है। नेक्स्ट है ओकर, जिस प्रकार से हमने सब का यूज किया है उसी प्रकार से हमने सेट का यूज करना है। सेट के साथ रिलेटेड वर्ड है सेट्रोक, इसमें हमने सेट की चाप लगानी है सेट्रोक। नेक्स्ट है एस बी फॉर अदर होक्ड सेट्रोक, अदर हुक एस सर्कल को हुक के अंडर या मिडल में भी लिखा जा सकता है ताकि जो एस सर्कल है वो क्लियरली रीड किया जा सके या क्लियरली रीड आउट हो सके। एग्जाम्पल वर्ड है ऑफर सफर डिसीवर सेवर डिसोनर प्लाइज सप्लाइज पॉसिबल सेटल एक्सक्लेम बाइसाइकल बाइसाइकल को आपने इस प्रकार से लिखना है बाइसाइकल सिविल नेक्स्ट है एल हुक
एल को किसी भी मिडल स्टेनो में स्टेनो के वर्ड में यूज नहीं किया जाता। जो एल हुक है, एल हुक को किसी भी मिडल स्टेनो वर्ड्स में शो नहीं किया जाता। एल हुक को इस तरह आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल वर्ड है फोर्सिबल, फोर्सिबल को आप इस प्रकार से लिखेंगे फोर्सिबल, अनसेडल, म्यूजिकल, नेक्स्ट है एसकेआर और एसजीआर। एसकेआर और एसजीआर टी और डी को फॉलो करता है, ये जब भी आएगा टी और डी को फॉलो करेगा। एग्जाम्पल वर्ड है टेक, टास्क, डिग्री, डिसएग्री, डाइग्रेस। नेक्स्ट है एस के आर एंड एस जी आर, पी एंड बी के बाद एस के आर आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल वर्ड है प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइबर, सब्सक्राइब, सब्सक्राइबर, इस प्रकार से आपने इसकी ज्वाइनिंग करनी है। जितनी ज्यादा हो सके आप इसकी प्रैक्टिस करो ताकि जो आपकी स्टेनो में स्पीड फास्ट हो। जितना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप इसे जब भी लिखोगे इसको अच्छे से रीड आउट कर सकेंगे।